happy? Yes. आप खुश हैं? Yes. कुछ तो नहीं लग रही। जो लोग दुखी है कहेंगे जय मसीह की। कोई बात नहीं, खुदा आपको खुश करेगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम एक काम करेंगे, पास वाले को एक अच्छी सी स्माइल दीजिए और उन्हें कहिए आपके पीले दांत अच्छे। बैठ जाइए सर, बैठ जाइए, कम बैठ जाइए। कहिए अपने पास वाले से आज आप बदल के जाएंगे। आमीन का मतलब समझते ना? मैं आपको थोड़ा सा अपना परिचय देता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा आपने, मुझे पता है सब जानते हैं। मुझे है ना वो चर्च अच्छी लगती है जो रिस्पॉन्ड करती है। अगर रिस्पॉन्ड करने का मतलब अगर मैं आपको कुछ बोलता हूँ तो आप रिस्पॉन्ड करो। अगर आपको लगता है कि यस ये मेरे साथ होना चाहिए तो आपको पीछे से बोलना चाहिए हाँ आमीन। Amen. तो आज हम आशीष होने वाले हैं। मैं आपको आज का प्रोग्राम बता देता हूँ। क्या एक्सेस कर सकते हैं दोनों के लिए? ऊपर हेलीकॉप्टर चल रहा है ना, ओके है ना, गर्मी थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं ना, लेकिन वचन मिस नहीं होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा आज का प्रोग्राम बता देता हूँ। मैं एक सवा घंटा प्रीच करूँगा 1 बजे तक, उसके बाद मैं चला जाऊँगा, फिर मैं शाम को आपके साथ फिर से मिलूँगा और भी उत्तर खाएंगे। सच मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ, ये भी अ क्लोज अटेंशन, ध्यान दीजिए। आप अगर ध्यान नहीं देंगे ना आपको कुछ नहीं मिल रहा है। कई बार क्या होता है जब मीटिंग चलती है ना तो हम यहाँ वहाँ देखते रहते हैं, फोन चेक करते रहते हैं, अगर कोई बच्चा उठेगा तो उसकी तरफ देखेंगे, आंटी उठेगी तो उसकी तरफ देखेंगे। नो, ऐसा ना करें, बचत पे ध्यान दीजिए। ऐसी सभाओं में बहुत खर्चा होता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ अरेंज करना पड़ता है, और अगर ये सब करने के बाद लोगों ने वचन ही नहीं सुना तो कैसे चलेगा? ओके, सो मैं थोड़ा डिसिप्लिन वाला व्यक्ति, मुझे ना इनडिसिप्लिन थोड़ा कम समझ गया। मैं बहुत कम बोलता हूँ, इवन आप ज्यादा बोलोगे तो मैं आपको आंखें दिखाऊंगा। बोलिए अपने बाजू वाले को कम बोलना चाहिए, आप लोग तो जल्दी बोलो, पहले इस तरफ है ना, आप लोग बोलो, बोलो बाजू वाले कब बोलो, बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाओगे। आप लोग भी बोल दो, ओके, हमेशा कम बोला करें, आप बहुत बच जाएंगे। बाइबल बताती है मनुष्य का मुंह उसके लिए फंदा ठहरता है। You know, there's a word in a book of Niti Vachan. मनुष्य का मुंह उसके लिए फंदा ठहरता है। आप देखोगे ना जो लोग बहुत बोलते हैं ना उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज होती रहती है। कॉन्ट्रोवर्सी मतलब हमेशा प्रॉब्लम से घिरे हुए रहते। मैं आपको सलाह देता हूँ, आप जितना कम बोलेंगे ना आप उतने आशीषित रहेंगे। हमारा प्रभु बहुत कम बोलता था लेकिन जब बोलता था तो जिंदगियां बदलती थी। अपने बाजू वाले को फिर से बहुत कम बोल, देखो यहाँ के बच्चे भी कितने अच्छे, हमारे चर्च कैसे नहीं है, उनको ऐसे पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ता है क्योंकि आप बहुत प्यारे हैं। थैंक यू, सो नाइस। ओके, हम स्टार्ट करें। अनुशासन बहुत जरूरी होता है, राइट? मीटिंग में फोन यूज नहीं होना चाहिए, मीटिंग में यहाँ वहां, मीटिंग में वचन सुनने का, बोलो बाजू वाले को वचन सुनना है।
एक्चुअली मैं आपको एक बहुत अमेजिंग बात बताना चाहता हूं वचन को शुरू करने से पहले, बड़े ध्यान से सुनो। एक दिन प्रभु मेरी तरह एक आराध्यालय में प्रचार कर रहे हैं, फोन बंद रखिए, कोई भी फोन यूज ना करें अभी से, ध्यान दीजिए। ओके, थोड़ा अनुशासन बनाएंगे चर्च के अंदर। एक दिन प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, हमारी तरह वो आराध्यालयों में अलग अलग जगहों पे जाते थे, आपको पता होगा नहीं। जगह वो जब वो प्रचार कर रहा था तो बाइबल बताती है एक स्त्री उठ के खड़ी हो गई और उसने उससे कहा, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू जन्मा और धन्य है वो स्तर जो तूने चूसी। यू नो, जब जीसस को उसने ऐसा कहा कि तू क्या ब्लेस्ड होगी वो आंटी वो बहन जिसके द्वारा वो जन्मा तू जन्मा है, तब यीशु ने पता उस बहन को क्या कहा, उसको प्रेस कर रही है, प्रेस मतलब उसकी बड़ाई कर रही है। लेकिन यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा हाँ और धन्य है वह जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यीशु ने उसको ऐसा क्यों कहा, धन्य है वह जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो यीशु को देख रही थी लेकिन जो यीशु कह रहा था वो सुनते थे। बहुत बार आप प्रचारक को देखते हैं सुनते नहीं है, आपका ध्यान रहता है फोन पे, आपका ध्यान रहता है यहां वहां। अगर आपको लाइफ में आगे जाना है तो आपको अपने लाइफ में कुछ अनुशासन ले आना पड़े, नहीं तो किधर नहीं जा पाएंगे, अपन उधर ही रहेंगे। आजकल का जवान आधा घंटा विदाउट फोन नहीं रह पाता, कैसे पढ़ेंगे ब्रदर आप लोग आगे कुछ करना है। वो दीदी प्रभु को देख रही है, सुन कुछ नहीं रही, इसीलिए यीशु को कहना पड़ा हाँ मैं तो धन्य हूं लेकिन तुम भी धन्य हो सकते हो अगर तुम मुझे सुनो और मानो। यू विल बी ब्लेस्ड If you hear and obey me, परमेश्वर के दास को चाहे मैं हूं चाहे आपके आदरणीय पास्टर हो कोई भी हो, उसको देखने से ज्यादा उसको सुनो। सुनना बलिदान करने से उत्तम है। Don't distract, यहां वहां ध्यान मत दीजिए। मैं सिर्फ चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह पे अपने काम से काम रखिए। मुझे परमेश्वर ने क्यों चुना है, मुझे वो करना है, मुझे क्या करना, वो क्या कर रहे हैं। मुझे लोग कहते हैं विराट कोहली ने 100 रन बनाए, मैं बोलता हूं कांग्रेचुलेशन, मुझे कोई खुशी नहीं। विराट कोहली अपनी जगह पे सही है, उसकी बुलाहट है क्रिकेटर की, मेरी बुलाहट है अच्छा मस्ती करने की, मैं वो बन गया। हालेलुया, कितनों मेरी बात समझ पा रहे। मैं थोड़ा स्ट्रेट बोलता हूँ, मुझे घुमा फिरा के बोलना नहीं आता, थोड़ा कड़वा लगता है दिल, लेकिन विश्वास करो कड़वी दवा बहुत जल्दी ठीक करती है। विटर मेडिसिन हील यू सो क्विकली, क्या फायदा बताओ, यीशु को देख रही है सुन रही है। आज अगर आपने अपने इस प्रॉब्लम्स को डील किया ना, आपका जिंदगी बदल जाएगा दीदी भाई, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। सुनना सीखो। यू नो, जब आप सुनते हो तो क्या करते हो, आप अपना दिल खोलते हो। आपने देखा प्रभु हर जगह पे कहता था जिसके कान हो वह सुन ले। मुझे बताओ इस धरती पे कोई ऐसा है जिसके कान नहीं है, हर एक के कान होते। फिर ईश्वर सा क्यों कह रहे थे, जिसके कान हो वो सुन ले, क्योंकि प्रभु को पता है हर एक को सुनने वाले काम नहीं है। बहुत लोगों के पास काम है सुनते नहीं है, इसलिए कहा जिसके कान है तो सुन भी लो,
मचाते लोग क्यों नहीं सुनते बताओ, मैं आपको, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ। मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किए, ये लोग सब बिल्कुल, मुझे मत सिखाओ, मुझे सिखाएगा तू? मैं इतने साल से प्रभु में हूं, तेरे बिहेवियर से तो बिल्कुल नहीं लगता कि तूने कुछ सिखाए। आजकल लोग है ना सुनते नहीं, वो चर्च जाएंगे, कैसी मीटिंग थी, अरे क्या बताऊं क्या मीटिंग थी, अच्छा ओके क्या सुना मीटिंग चल रहा था उसकी, हाँ वो मुझे पता है, सुना क्या, वो एक लंबा लड़का आया था बॉम्बे से, ये क्या बोल रहा था, सुना कुछ नहीं, ये हालत है हमारी, यू नो व्हाई गॉड यूज मी, परमेश्वर मेरा क्यों उपयोग करता है, मैं उसकी सुन लू, आप भी सुनना सीखो। बहुत मीटिंग अटेंड कर ली हमने, बहुत किताबें पढ़ ली, बहुत बाइबल पढ़ लिया, सब अपनी जगह पे सही है, लेकिन अब बोलना कम और सुनना अधिक सीखो, आप ब्लेस्ड होंगे। प्रभु में बढ़ना है ना, खुद के साथ स्ट्रिक्ट बनो, दूसरों के साथ नम्र बनो। सब लोग मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं, मैं लड़की हूं भाई, मैं लड़का हूं दीदी, बोलो अपने बाजू वाले को अनुशासन जरूरी है, अगर आपके बाजू में कोई नहीं बैठा तो पीछे वाले को बोल दो, बोलो अनुशासन जरूरी है, कम खाना खाओ, फोन कम यूज करो, नींद थोड़ी कम करो, मतलब मेरी तबीयत खराब हो जाती है, आपकी सोच है कुछ नहीं होगा, मेरे बड़े बोलते थे बहुत खाना खाओ तगड़ा रहे, मुझे आज पता चलता है वो गलत सिखा भी गए, हम कम खाओ आप हेल्दी फील करोगे। कुछ लोग देखा होगा ना अपने चावल का पहाड़ बना के खाते, इतना खाना खाते हैं, इतना खाना खाते हैं, मतलब मैं एक बार किसी के पास खाना खाने के लिए बैठा, मैं उठ भी गया, ये पेटू उधर ही बैठा हुआ, ये खा ये खा ये खा, कुछ लोग तो तब तक खाते रह रहे हैं जब तक यहाँ का बटन ना खुल जाए, कैसे लगे बड़े, चावल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, ये भी चाहिए, हाउ कैन यू ग्रो, आपको अपने लाइफ का कोई टेंशन नहीं, आजकल बाथरूम में भी फोन लेके जाते, डर नहीं लगता अंदर गिर जाए तो, रात को 10 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे उठते, 12 घंटा आप सोते हो, तो काम कर करोगे आप, बोलिए, जब आप किसी के साथ हो आपको पता है उसकी इज्जत कैसे करनी है, पता है उसके साथ कितना कम बोलना पड़ता है, उसको सुनना पड़ता है, दैट इज रिस्पेक्ट, कि पास्टर मैं आपको सिखाने के लिए नहीं हूं, आप बोलो मैं सीखूंगा, ये सब डिसिप्लिन है। मैं जब भी किसी व्यक्ति के साथ रहता हूं ना, मैं बहुत कम बोलता हूं, मैं सुनना चाहता हूं ये क्या जानते, अरे सिखाने के लिए तो प्रभु ने 5-5 कलीसियाएं दी है, हर जगह थोड़ी सिखाया जाता है, कहां कहां पर चुप रह के सीखना पड़ता है। आज जवानों की सभा है, मैं आपको ये सारी बातें समझाऊंगा, कितनों तैयार है, कितनों को बुरा लग रहा है, अगर बुरा लग रहा है तो मैं कोई आपसे माफी नहीं मांगने वाला, क्योंकि गड़बड़ है, ठीक होनी चाहिए। धन्य है वे जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं।
Amen. Amen. You will be blessed if you hear and obey me. धन्य है वे जो सिर्फ मुझे देखते नहीं है, जो मुझे सुनते हैं, जो मेरे पीछे चल रहे हैं। अब जानते हैं इस चर्च लगाने का रीजन क्या होता है? ताकि चर्च खुदा के पीछे चलना सीखे। आपका पास्टर आपके साथ सिर्फ 2-3 घंटे रहता है, लेकिन उसके साथ जीना सीखो जो 24 घंटे आपके साथ रहता है। इधर हालेलुया 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 यहां से जाने के बाद जय मसीह की। ऐसा नहीं चलेगा। मैं आपको एक बात बोलूं ब्रदर्स, पॉजिटिव वे में लेंगे, अगर हमें परमेश्वर का वचन नहीं बदल पाया, विश्वास करो हमें कोई नहीं बदल पाएगा। Nobody will change. अगर आपको उसका वचन नहीं बदल पाया ना, इस दुनिया में आपको कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए उसके वचन का आदर करो, रिस्पेक्ट करो। I love this. See this boy. उस लड़के को देखो, उसकी एज क्या है, उसके हाथ में पुराना और नया नियम बाइबल में आया। लेकिन आपको लिख के देता हूं यहां पर, कुछ सयाने होके नहीं लेके आएंगे। नहीं नहीं मेरे को सब पता है, यही तेरी प्रॉब्लम है। देखो उस बच्चे को देखो, बड़ा खड़ा हो जाए सवाल, बाइबल उठाओ, क्या एज है आपकी? 10 साल। भाई बाइबल किसका है? आपका। 10 साल का लड़का पुराना और नया नियम लेकर चर्च में लेकर आप देखो, यहाँ पर बहुत के पास नहीं हो। क्यों? मैं को काय को लेके आने का, मेरे को तो सब पता है, मीटिंग के बाद में तेरे को गले से ऐसे उठाऊंगा। आज बैठ जा बेटा, सो गया ऐसे। देखो इन बच्चों को बाइबल लेके बैठे, मैं आपसे हाथ नहीं उठवाऊंगा। अगर मैं आपसे अभी भी हाथ उठवाऊंगा ना, आपके पास बाइबल नहीं होगी बहुतों के पास। क्यों? मेरे को सब पता है, हमें सीखना है। कभी भी चर्च में विदाउट बाइबल नहीं आना चाहिए, बाइबल लेके आए। हालेलुया हालेलुया। बंद कर दो इधर ही, नहीं ब्रदर बंद कर दो, मेरे को बहुत डर लग रहा है उससे। नहीं डरने की कोई जरूरत नहीं है दीदी, मैं भाई हूं आपका, आई एम योर ब्रदर। चलिए आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत हम कुछ सीखेंगे आज। आमीन। मैं बिलीव करता हूँ आज से हमारे कितने लोग चाहते हैं अनुशासन सीखे है ना, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है ब्रदर। मुझे आज भी कोई डिसिप्लिन सिखाता है तो मैं सीखता हूँ। आइए मेरे साथ पहला पढ़िए, पहला शमूएल, प्लीज ओपन विद मी द बुक ऑफ 1 सैमुएल। बाइबल लाए हाँ मेरे साथ खोलिए, पहला शमूएल। और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 17:30। तब उसने उसके पास से मुंह फेरकर दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बातें कही, और लोगों ने उसे पहले के सम्मान उत्तर दिया। ओके, आप सब इस वर्ड को टिक करो अगर आपके पास पेन है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर जाकर कर लेना। आप तैयार है? ओके, आइए सब सामने देखिए, यहां देखिए। आप जानते होंगे पुराने नियम में
इज़राइल का जो पहला राजा था उसका नाम था शाऊल। कहिए शाऊल। ये सब ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है इज़राइल का जो पहला राजा था उसका नाम था शाऊल। बोलिए शाऊल। जिन्होंने नहीं बोला बोलो भी बोलो, सब बोलो, सौ लोगों की आवाज बहुत होनी चाहिए। 1 2 3 अभी मजा आ रहा है ना? आप लोग बहुत प्यारे लोग हो, थोड़ा खाली चिल्ला के सीखते हो। उनका नाम था शाऊल। आपको पता है परमेश्वर ने उसको क्यों हटा दिया? आप लोग है ना भाई लोग, याद रखना परमेश्वर को किसी को भी हटाने के लिए उसको उसका सिंहासन खराब करना या तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सिर्फ आपका अभिषेक ले लेगा, आप खत्म हो जाएंगे। If he want to, अगर वो चाहता है आपको सेवा से हटाना, वो आपके सिंहासन को कभी नहीं तोड़े, वो सिर्फ आपसे आपका अभिषेक ले दे और सब खत्म हो जाए। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके बड़े बड़े नाम हैं, मैंने उनके साथ काम किया, पर विश्वास कीजिए उनके पास कोई अभिषेक नहीं है आज। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो छोटे से गांव में रहते हैं, कोई उनको जानता नहीं है, खुदा का अभिषेक उन पर है। Oh, I know something. Big title, no anointing. But I know so many. No title, big anointing. Amen. So, परमेश्वर शाऊल को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि वो घमंडी था। He was a man of pride. उसके पास घमंड था। घमंडी आदमी पता क्या करता है? घमंडी आदमी सुनता सबकी है, चलाता आदमी। That is a pride. वो किसी की नहीं सुनता। आप देखो ये इस बंदे को देखो, अपनी चलाता। मैं नहीं कहता हूं कि आप अपनी मत चलाओ, लेकिन अगर आप गलत हो तो तरीके तो बदलो। You should change the ways. You know the Bible says, खुदा का कलाम कहता है कि कान का वो अपनी चलाता था। शमूएल उसे कहता था चाहिए करके आप उस काम को अधूरा छोड़ के अपनी चलाता था। जब परमेश्वर ने देखा कि ये बंदा मेरी नहीं सुनता, ये वो नहीं करता जो मैं करता हूं, तब परमेश्वर ने डिसाइड किया हम इसको हटा देंगे। और परमेश्वर ने वहां पर एक अपना व्यक्ति खड़ा कर दिया जिसका नाम था दाऊद। कहिए दाऊद। बाजू वाले को बोलिए दाऊद। ओके, ध्यान देना, ये लेसन ऐसे लेसन हैं आपको लाइफ टाइम काम में आएंगे, जिंदगी अंत के सांस खत्म होने तक आपको ये सारे लेसन काम में आएंगे। विश्वास कीजिए ये संदेश नहीं है, ये वो चीजें हैं जो मैंने खुदा से सीखी। आप जानते हो जब परमेश्वर ने देखा कि ये मेरी बात नहीं मानता, खुदा ने उसको वहां से हटा दिया। एंड गॉड चूज अ मैन कॉल्ड डेविड। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया, उसको तैयार किया परमेश्वर ने, उसका नाम था दाऊद। जानते हैं परमेश्वर किसी को कैसे अलग करता था? वो नबी को उस नबी को जाके कहता था उसके ऊपर तेल उधेड़ दो, इसको कहते थे अभिषेक करना, और वहां से वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए अलग किया जाता था। आप जानते हैं आप सबका अभिषेक हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने आपको दुनिया से अलग किया है। You are chosen. परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए लिखा है उसने बयान में हमें अपना आत्मा दिया है। कहिए अपने पास वाले को, ब्रदर हम चुने गए हैं और अलग किए गए हैं। कितना खुश है,
have chosen. जब एक नबी किसी के ऊपर गुप्पी ऊंधे रहता था, इसका मतलब है खुदा ने आपको किसी काम के लिए अलग किया है। अब आप दुनिया की तरह मत जियो। परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, परमेश्वर ने आपको अपना अभिषेक दिया है। क्यों दिया है? ताकि आप दुनिया के साथ नहीं, अब आप उसके लिए जिएंगे। What a privilege! क्या आपको ये मौका दिख रहा है कि मेरे बाजू वाले को नहीं चुना गया, खुदा ने मेरे को चुना, परमेश्वर ने मुझे बुलाया। जब बल बताती है उस नबी ने उसे अलग किया, उसका अभिषेक किया, और जानते हो अभिषेक पाने के बाद क्या किया उसने? कहिए दाऊद साधारण जीवन जीता रहा। अगर आज आप किसी का अभिषेक खून कर दो, आपके बाजू में चर्च खोल दे, अगर आप किसी पर हाथ रख दो, प्रभु ने आपको चुना है, आपके बाजू में चर्च 50 लोग आपके लेके जाएंगे, जो भी लोग आएंगे ना जा रहे पास्टर जी के पास, मत जाओ, मैं सिखाऊंगा। क्या सिखाओगे? वही पास्टर जी जो सिखाते हैं तो उससे सीख लेता हूं। आजकल जो बहुत सारे लोग हैं ना, वो खुदा के साथ चलना नहीं चाहते, बस सेवा करना चाहते। That is a problem. अंकल दिनकरन को जब परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया 24 घंटे के लिए, आपको पता है अपनी बुलाहट जानने के बाद भी कई साल तक वो काम करते रहे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब तक 5 बार आपको कोई प्रभु आपको चिन्ह न देना, सेवा में मत उतरना। एक आदमी ने आपको कहा, ओ प्रभु ने आपको चुना है, नहीं मत जाना, प्रभु को बोलो अगर आपने चुना है ना, सेम बात 2 लोग और बोले। सेवा मजाक नहीं है, सेवा कोई मनोरंजन नहीं है कि यहां से खड़े होकर लोगों को हंसाना है। नो, आप विश्वास कीजिए, जब आप यहां पर खड़े हैं, आप इस दुनिया का सबसे खतरनाक काम कर रहे हैं। दैट्स नॉट इजी, ये आसान नहीं है। हमें लगता है ओ वहां पर खड़े होंगे लोग हमें देखेंगे, अरे ब्रदर रात रात भर दुआएं करके खुदा से मैसेज लेना पड़ता है। 6 बजे सोया हूं सुबह में, 2 बजे आया हूं, 6 बजे सोया हूं सुबह, पास्टर जी ने कॉल किया, हम लोग आपको लेने आ रहे हैं। मैंने कहा 5 मिनट देरी से आएंगे, वॉशरूम में था, मुझे नहाना था। क्या लगता है आपको, ये मजाक है? YouTube पे जाके किसी को सुन के 4 चीजें वहां से लिखकर प्रचार करना बहुत आसान है, खुदा से सुन के बोलना कठिन है। इट्स हार्ड। रात को 2 बजे आया, नहाया, मन कर रहा था वेटर को बोलूं चाय चाहिए, लेकिन पूरी होटल बंद थी। मस्त ठंडे पानी के छींके मारे, हर एक घंटे में नींद आ रही थी, पर प्रचार करना था। प्रभु को मैंने कहा दया करते जल्दी देगा तो जल्दी सोऊंगा। 5:30-6 बजे समझ में आया कि परमेश्वर क्या बोलना चाहता, फिर सोया हूं। सेवा को मजाक मत समझना ब्रदर, वो एक बलिदान है और आग बलिदान पे गिरती है। आमीन। मजाक मत समझी। अगर आपको चर्च के अंदर कुछ भी काम मिलता है ना, भय के साथ करिए। ये मत सोचो कि पास जज्बात के लिए कर रहा हूं, नो, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। कोई अगर आपको चप्पल उठाने के लिए भी कहे ना, वो चप्पल भी बड़ी इज्जत से उतारो, ये जान के कि ये चप्पल किसी व्यक्ति की नहीं है, मेरे खुदा की है। कोई आपको कहता है ना कि ये स्पीकर उठा के वहां रखो, माइक सिस्टम संभालो, ऐसा मत समझो कि पास्टर के लिए कर रहे हो। नो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूं। डू एवरीथिंग फॉर द लॉर्ड। हालेलुया। कितने मेरी बातों से सहमत है?
आप जानते हैं जब परमेश्वर ने दाऊद का चुनाव किया, when God choose a shepherd called David, जब परमेश्वर उस चरवाहे को परमेश्वर अपने पास बुलाते हैं, अब देखिए ये बंदा अभी भी नॉर्मल है, अभी भी वो सेवा नहीं कर रहा है। उसके पिताजी ने उसे कहा, एक काम कर, दाऊद के सारे भाई आर्मी में थे और जो शाऊल उन दिनों में राजा था, और उसके पिताजी कहते हैं बेटा जा अपने भाइयों को देख कर आ और खाना दे कर आ। बाइबल बताती है अंजीर की टिकिया और कुछ और चीजें लेकर अब वो अपने भाइयों से मिलने गया। लेकिन वहां पर जब वो गया, वहां पर कुछ मंजर था। जब वहां पर गया तो उसने क्या देखा, एक लंबा चौड़ा व्यक्ति तिराई के उस तरफ पहाड़ से खड़े होके इज़राइल के लोगों को कह रहा था, हे इज़राइलियों आओ हम लड़ेंगे, पाती बांधो हम फाइट करेंगे, तुम जीत गए हम तुम्हारे गुलाम, हम जीत गए तो हमारे गुलाम। अब ये सारी बातें दाऊद ने सुन ली। सोचो कितनी बड़ी आवाज है उसकी, उस पहाड़ पे खड़े होके चिल्ला रहा है, दाऊद सुन पा रहा है, और हमारा अमीन कितना छोटा रहता है, अमीन हालेलुया। हमसे बड़ी हमारे दुश्मन की है यार, हमारी तालियां भी कभी ऐसे बजती है, पता है वो भैया गा रहे हैं सेनाओं का यहोवा और कुछ पहने आपको लगता है हमारा प्रभु ऐसी तालियां डिजर्व करता है? अरे वो किन तालियों के लिए योग्य है आप सोचो, उससे हमारे लिए अपना जीवन दिया है, क्या वो हमारी ऐसी तालियां डिजर्व करता है? क्या वो हमारी इतनी छोटी आवाज डिजर्व करता है? आपको जोश देखना है ना, कभी बॉम्बे मेरे चर्च में आ जाओ, चक्कर मार के जरा रहना इधर ही मैं कभी नहीं बोलता मेरे पास, कभी बॉम्बे चक्कर लगता है ना तो मेरे चर्च में आओ, आपको पता चलेगा कि गिदोन की सेना क्या होती है। वो एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर दुश्मन को भगाया था। बोलो यीशु मसीह की जय। जब दाऊद ने सारी बातें सुन ली, अब दाऊद अपने भाइयों से पूछता है, भाई कौन है ये, who's this man? उसके भाई उसको पसंद ही नहीं करते। कभी कभी लोग आपको भी पसंद नहीं करेंगे, पता है क्यों? कोई कारण नहीं, क्योंकि आप थोड़े अलग। अभी होता क्या है, देखिए चार लोग बैठे हैं, एक बहन बोलती है आपकी सांस कैसी है, मेरी सांस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आपकी सांस कैसी है, मेरी सांस ने मेरा सांस मत कर दी, आपकी मदर इन लॉ कैसी है, मेरी मदर इन लॉ मर्डर इन लॉ, आपकी सांस कैसी, मेरी सांस मैं रोज दुआ करती हूँ आज मरे मरी तो मरती है, मेरे को डर लगता है उसका पुनरुत्थान ना हो जाए। अब एक बहन से पूछा गया आपकी सांस कैसी है, शी इज क्वाइट गुड, अच्छी, आपकी देवरानी आपकी घर में आपको कोई नहीं सता था, होती है छोटी छोटी बातें, ज्वाइंट फैमिली चलता है ये सब। आप देखो आप किसी की भी बुराई में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, आप विश्वास करो आपके अधिक मित्र नहीं हो पाए। तो क्या अलग हो, आप किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होते, आपके पास भी बहुत मसाला है, लेकिन आप कहते हो इनको क्या बताऊं, ये थोड़ी कुछ करेंगे, मुझे बताना है तो मैं उसको बताऊंगी जो सब बदलता है। मार्था यीशु के पास आके कहती है, प्रभु आप मेरी बहन को देख रहे हो, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है, मैं अकेले काम कर रही हूँ, क्या आपने मार्था में एक खूबसूरत बात देखी, उसने अपनी शिकायत सही व्यक्ति को दी। हम यीशु को छोड़ पूरी कलीसिया को बता, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, क्या करेगा वो, जो भी यही करेगा लास्ट में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप क्यों नहीं करते, कौन बी वाइज, बुद्धिमान बनो, ज्ञानी नहीं, ज्ञानियों में घमंड होता है, बुद्धिमान नम्र होते हैं। अब दाऊद को पता चलता है, दाऊद के भाई पता है उसको क्या बोलते हैं,
दाऊद के भाई उसे पसंद नहीं करते थे, भैया आप चिंता मत करो आपकी इज्जत नहीं है तो आप दाऊद हो। दाऊद के भाई उसको बोलते हे तुझे क्या करना है, यहां क्यों आया तू, कहां है वो भेड़ बकरियां, किसके सारे छोड़ पे आया तू। वो उनको पता है इज अ शेफर्ड, उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो चरवाहा है। पूछते किधर है वो भेड़ बकरियां, किधर छोड़ गया है तू। दाऊद बोलता है मैंने क्या किया, आप पढ़ के देखो आगे लिखा है मैंने क्या किया है, हमेशा चिल्लाते रहते हो उसे। और वहां पर लिखा है और दाऊद ने अपना मुंह मोड़ दिया। कितने लोग खुदा में बढ़ना चाहते, हाथ उठाओ। आपको सलाह दूं, बहुत सारी चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ो, इग्नोर अवॉइड करो। तू घटिया व्यक्ति है ओके चलो आगे, उधर खड़े मत रहो। ए क्या बोला तू, क्या बोला तू, मैं कौन घटिया, तू डबल घटिया। दिस इज योर मिस्टेक। Why you are fighting? तुम क्यों लड़ रहे हो? शैतान यही तो चाहता है कि तुम अपने लक्ष्य से भटको और दुनिया के कामों में फंसो। दाऊद को उसके भाइयों ने बुरा भला कहा, लिखा है दाऊद ने मुंह मोड़ दिया। फिर दाऊद आगे गया, तब उन दिनों में राजा था शाऊल, राजा को कहता है राजा कौन ये व्यक्ति, अरे छोड़ना यार तू बच्चा है और वो तब से लड़ाकू है जब से वो बच्चा था। ओ, किंग राजा ऐसी भाषा बोल रहे। उसके बाद दाऊद कहता है राजा कोई किसी का मन कच्चा नहीं होना चाहिए, मैं लड़ूंगा। Oh, I will fight with them. मैं उससे लड़ूंगा। कच्चा न होने का मतलब क्या होता है, कच्चे मन का मतलब होता है विदाउट लड़े हार जाना। एक आदमी होता है ना गया लड़ाई की फिर हारा, ये समझ में आ रहा है, अंदर से ही डिसाइड मैं नहीं। इसे कहते हैं मन का कच्चा होना, मन मतलब आप लड़ने भी नहीं गए हो पहले ही आप डिसाइडेड मैं थोड़ी लड़े मर जाएगा। इसे कहते मन, लेकिन दाऊद कहता है किसी का मन कच्चा नहीं होना चाहिए, मैं जाके लड़ूंगा। और एक काम कर, ये जो मेरा जो पूरा क्वच है ना पूरा पहन के जा। दाऊद ने वो पूरा पहन लिया और दाऊद पता उसके बाद कैसे चल रहा था, वो चल ही नहीं पा रहे। ओ दाऊद ने उतार के फेंका और कहा ये ले लो, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है वो मुझे इससे भी बचा है। यार किधर है ऐसे लोग, आजकल तो लोग दुष्टात्माओं से भी डरते। मैं एक दोस्त को बोला मेरे साथ चल दुष्टात्मा निकालने के लिए, बोला हाँ चलता हूं। तो हम लोग वहां पर खड़े हुए, एक आंटी आई, हमने उसको बोला यीशु के नाम में छोड़ दे उसको, वो दुष्टात्मा निकल गई। लेकिन मैंने उसके बाद देखा मेरा दोस्त परेशान लग रहा था, मैंने उसको बोला क्या हुआ, वो सूरज भाई वो उसमें से निकला वो गया इधर तेरे घर पे आया है, वो मेरे घर पे तो नहीं आएगा ना। मैं प्रभु को कह रहा था प्रभु इसकी गलती नहीं है मेरी गलती है, मैं से ले